हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं एक बिल्कुल फ्रेश वीडियो लेकर आपके लिए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के कीबोर्ड के बारे में। स्मार्टफोन में जो कीबोर्ड यूज़ होता है उसको गूगल कीबोर्ड या फिर जी बोर्ड कहते हैं। जी बोर्ड को हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में टाइपिंग या राइटिंग के लिए। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे जी बोर्ड की कुछ सेटिंग्स और साथ में कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिसे यूज़ करके आप एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हैं और अपने जीबोर्ड यूजिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं एंड साथ में अपने वर्कलोड को कम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये सेटिंग्स एंड ट्रिक्स सिर्फ गूगल कीबोर्ड के लिए है, थर्ड पार्टी कीबोर्ड एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं होगी। तो जीबोर्ड सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले सेटिंग्स एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों हमें नीचे की तरफ जाके एडिशनल सेटिंग्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर दोस्तों आप रियलमी का डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपको कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड का ऑप्शन एडिशनल सेटिंग्स में मिल जाएगा। लेकिन आप रियलमी के अलावा दूसरा डिवाइसेस यूज़ करते हैं जैसे सैमसंग है या फिर MI का है, तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में ऊपर की तरफ जो सर्च बार देखने को मिलता है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड टाइप करना है। तो जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑप्शंस मिल जाएंगे, इसको सिलेक्ट करना है, आप सीधे कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड के पेज पे आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है करंट कीबोर्ड, उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों जीबोर्ड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपने टाइपिंग के लिए अपने मोबाइल के अंदर, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अवेलेबल कीबोर्ड्स, उसमें जीबोर्ड को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जो सेटिंग्स पेज ओपन होगा ये हमारे जीबोर्ड का सेटअप पेज है। यहाँ से हमें कुछ सेटिंग आपको दिखाएंगे, आपको वो सेटिंग्स अपने जीबोर्ड के अंदर अपने मोबाइल के अंदर कर लेनी है, जिसकी वजह से आप अपने कीबोर्ड को एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हैं और इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए लैंग्वेजेस को टैप करते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश US QWERTY कीबोर्ड का ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा हमें दूसरी लैंग्वेजेस भी इसको ऐड करनी होगी। इसके लिए जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड कीबोर्ड का ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें वापस से इंग्लिश US को टैप कर लेना है। यहाँ पर आपको जो सबसे पहला वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है हैंडराइटिंग, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों राइट साइड में स्वाइप करना है, और अगर आप अपने कीबोर्ड को PC फॉर्मेट में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे PC फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। और ये करने के बाद राइट साइड में नीचे की तरफ जो डन का ऑप्शन दिया हुआ है ब्लू बॉक्स के अंदर, उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा जो इंग्लिश US का फॉर्मेट है कीबोर्ड का, वो तीन टाइप का सिलेक्ट हो चुका है, QWERTY कीपैड, हैंडराइटिंग एंड PC फॉर्मेट में। अभी वापस से हमें ऐड कीबोर्ड में जाना है और हिंदी इंडिया इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ABC2 हिंदी, इसको सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे की तरफ जो ब्लू बॉक्स दिया हुआ है डन का, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद वापस से ऐड कीबोर्ड में जाना है, और दोस्तों आपका जो जीबोर्ड है वो इंडिया की जो लोकल लैंग्वेजेस है, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस है, उसको भी सपोर्ट करता है। तो आप जो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज है, आपकी जो भी मदर टंग है, आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बांग्ला, मराठी, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, ये सारी लैंग्वेजेस जो है इंडिया की मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेजेस है, वो सारी सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे दी हुई है। आप अपनी मदर टंग के हिसाब से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गुजराती इंडिया सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है ABC तो गुजराती, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप अपनी जो भी मदर टंग है, जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हैं, उसको इसी तरीके से सिलेक्ट करनी है और डन कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेजेस है वो सेटअप हो चुके हैं हमारे जीबोर्ड के लिए, और जीबोर्ड का जो फॉर्मेट है वो सेटअप हो चुका है। अभी हमें बैक आ जाना है और सेकेंड जो ऑप्शन है प्रेफरेंसेस का, उसमें जाना है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है नंबर रो का, उसको टॉगल ऑन कर लेना है, जिससे दोस्तों क्या होगा कि आपका जो कीबोर्ड है उसमें आपको डिजिट्स 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 का ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। अगर आपको डिजिट एंटर करने हैं आपके काम के दौरान अपने एडिटिंग वगैरह में, तो आपको अलग से जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको डिजिट का ऑप्शन अलग से इसके एक रो आपको अपने कीबोर्ड में मिल जाएगी। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो है शो लैंग्वेज स्विच की, ये भी आपको टॉगल जो है उसको ऑन कर लेना है।
जिससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे जो कीबोर्ड में कीबोर्ड है उसमें एक डेडिकेटेड स्विच आपको मिल जाएगी लैंग्वेजेस चेंज करने के लिए। जो हमने पहले लैंग्वेजेस सेलेक्ट की हुई है उसे हम उसके लिए एक डेडिकेटेड स्विच मिल जाएगी, तो आप वहीं से डायरेक्टली अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है, लेआउट का ऑप्शन है, उसमें कीबोर्ड हाइट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट से लेके एक्स्ट्रा टॉल तक का कीबोर्ड का सेटअप मिल जाता है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से इसकी जो कीबोर्ड की हाइट है उसको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें बैक आ जाना है और थर्ड ऑप्शन जो है थीम, उसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों ये जो थीम है यहाँ पे आपको कलर्स मिलते हैं, कुछ लैंडस्केप्स मिलके पिक्चर्स मिल जाते हैं, और लाइट ग्रेडियंट और डार्क ग्रेडियंट के कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने जो कीबोर्ड का जो लुक है उसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पिक्चर्स अपनी जो है उसको भी सेट कर सकते हैं, उसके लिए जो प्लस वाला सिंबल है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो आप अपने पर्सनल पिक्चर्स जो भी है उसको भी सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम कोई भी रैंडम पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और ये कुछ इस तरीके से हमारा कीबोर्ड यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। तो हमारा जो कीबोर्ड का लुक है वो चेंज हो जाएगा, उसको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना है और जो ऑप्शन है टेक्स्ट करेक्शन का उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों याद रखिए सजेशन पहले जो ऑप्शन है उसमें सो सजेशन स्ट्रिप, ये वाला ऑप्शन बहुत ही खास है दोस्तों, इसको आप ये टॉगल आपको ऑन कर लेना है। ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है दोस्तों, याद रखना ये टॉगल जो है सो सजेशन स्ट्रिप इसको ऑन करना है। इसका क्या यूज़ होता है ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों हमें नीचे की तरफ जाके ऑटो कैपिटलाइजेशन है उसको ऑन कर लेना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी हमें हम पैराग्राफ चेंज करते हैं या हम टाइपिंग करते हैं तो हमें फर्स्ट जो लेटर होता है उसको कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ऑटोमेटिक अपने आप से अपने हिसाब से जो वर्ड है उसमें लेटर को कैपिटल कर देगा, तो ये काफ़ी काम आने वाला है। उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है स्पेल चेक का, उसको आपको ऑफ कर लेना है। दोस्तों ये स्पेल चेक आपने अगर ऑन किया हुआ है तो आपको टाइपिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसको ऑन नहीं करना है, इसको ऑफ कर लेना है। तो टेक्स्ट करेक्शन हो चुका है। उसके बाद हमें वॉइस टाइपिंग में जाना है और यहाँ पे जो टॉगल दिया हुआ है यूज़ वॉइस टाइपिंग, ये टॉगल आपको ऑन कर लेना है। तो दोस्तों ये जो जीबोर्ड है हमारा वो वॉइस टाइपिंग भी सपोर्ट करता है, इसको कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। तो उसके बाद दोस्तों वॉइस टाइपिंग हमारा सेटअप हो चुका है और अभी लास्ट वाला ऑप्शन जो है एडवांस, उसमें चले जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लर्निंग जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पर्सनलाइजेशन आप टॉगल ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या करेगा, आपके पास जो जीबोर्ड है आपका जो यूजिंग पैटर्न है उससे वो उसको लर्न करता रहेगा और आपको बेहतर सर्विस डे बाय डे प्रोवाइड करता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना डेटा प्रोवाइड करें जीबोर्ड को तो ये आप कर सकते। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे जीबोर्ड का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देख लेते हैं कि जीबोर्ड को कैसे यूज़ करना है और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स सेटअप करने के बाद ऐड हुए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं जीबोर्ड का नया लेआउट कि अभी ये हमारा जीबोर्ड कैसा दिखता है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जीबोर्ड का पूरा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। मैं आपको साइड बाय साइड पिक्चर्स दिखाता हूँ जो हमने सेटअप के पहले ली थी और सेटअप के बाद की पिक्चर्स है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो जीबोर्ड है वो सेटअप के बाद काफ़ी एडवांस हो चुका है और काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसमें ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है वो उसको सजेशन स्ट्रिप कहते हैं। जैसे मैंने आपको सेटिंग में कहा था कि इसको टॉगल ऑन कर लेना है, तो अगर वो टॉगल आप ऑन करते हैं सजेशन स्ट्रिप का तभी आपको ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, तभी ये सारे जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो सजेशन स्ट्रिप है वो जब आप टाइप करते हैं तो आपको वर्ड सजेस्ट करता है। देखिए मैंने यहाँ पे हेल्प लिखा हुआ है तो आपको ऊपर की तरफ सजेशन स्ट्रिप में वर्ड्स दिखते हैं, तो आपको ये टाइपिंग में काफ़ी आसानी हो जाएगी कि आपको जैसे टाइप करते हैं तो आपको वर्ड सजेस्ट कर देगा। आप डायरेक्टली वहीं से टाइप सिलेक्ट करके आप अपना वर्ड पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, आपको पूरा वर्ड टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो सजेशन स्ट्रिप है जैसे मैंने पहले कहा कि आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहीं से अपने इमोजीज या फिर बीट मोजी है, GIF है, ये सब आप यहाँ डायरेक्टली यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सेटिंग सिंबल दिया हुआ है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये डायरेक्टली आपको जीबोर्ड के सेटिंग पेज पे ले जाएगा, आपको पूरा मोबाइल में घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो ये वाला एक ऑप्शन आपको सजेशन स्क्रिप्ट में मिल जाएगा एक्स्ट्रा फीचर। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है गूगल ट्रांसलेट का, ये दोस्तों बहुत ही खास फीचर है।
इसको कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप इसको टॉगल ऑन करते हैं तो आपको ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेशन आपको ऑलरेडी दिख रहा है। आप जो भी लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट करनी है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से मैसेज टाइप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप टाइप करते हैं, अगर उसका डायरेक्टली ट्रांसलेट आपको अपने वर्क में चाहिए, अपने शीट पे चाहिए, तो वो लैंग्वेज आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने फिलहाल हिंदी सिलेक्ट की हुई है, तो मैं यहाँ पे अगर इंग्लिश में मैसेज टाइप करूँगा तो ये डायरेक्टली आपको हिंदी में उसका ट्रांसलेशन आपको राइटिंग में मिल जाएगा। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हेलो एवरीवन। तो दोस्तों देखा मैंने यहाँ पे हेलो एवरीवन टाइप किया हुआ है और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा हिंदी में सभी को नमस्कार। ये आपने डायरेक्टली ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे मिल चुका है। इस तरीके से आप जो भी लैंग्वेज ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इस गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कर सकते हैं। ये वाला फीचर आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको थ्री डॉट मेनू जो यहाँ पे दिया है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है उसमें थीम देखने को मिलेगी। आप डायरेक्टली यहीं से थीम अपने जीबोर्ड की चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्लिपबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि आपने एडिटिंग के दौरान जो भी आप कॉपी करते हैं वो सारे कॉपी वाले जो टेक्स्ट है, जो भी पैराग्राफ है, वो सारे पैराग्राफ आपको यहाँ से यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहीं से उसको सिलेक्ट करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। आगे जाके आपके जो जहाँ पे भी ज़रूरत होगी आप उसको वहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आपको यहीं से डायरेक्टली मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों टेक्स्ट एडिटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही खास फीचर है दोस्तों। यहाँ से आप ये जो फीचर है ये आपका कीपैड की तरह काम करेगा, जिसमें आप कर्सर को मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी वर्ड को, सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन जो है दोस्तों ये आपको एडिटिंग के दौरान बहुत ही काम आने वाला है आपके प्रोजेक्ट वर्क में, या फिर आप ऑफिस वर्क करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं, राइटिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें ये वाला जो ऑप्शन है टेक्स्ट एडिटिंग का वो बहुत ही काम आने वाला है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे ऐड आपको देखने को मिलेगा वो है वन हैंडेड मोड। अगर आप एक हाथ से अपना कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला टॉगल आप ऑन कर लेंगे तो आपका जो कीबोर्ड है वो एक तरफ स्लाइड हो जाएगा स्मॉल साइज के अंदर, तो आप एक हाथ से बड़ी आसानी से इसको टाइप कर पाएंगे। इसको आप राइट या लेफ्ट चेंज कर सकते हैं इसकी पोजीशन। उसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो फ्लोटिंग कीबोर्ड का है, तो आप जैसे इसको ऑन करते हैं तो आपका जो कीबोर्ड है वो फ्लोटिंग विंडो में आ जाएगा। आप इसको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे कहीं भी आपको इसको मूव कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं और अपना मैसेज या अपना काम कर सकते हैं, टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये अपनी साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी साइज़ आप सिलेक्ट करेंगे उस साइज़ में ये आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको सेटअप के बाद मिल जाते हैं दोस्तों, जो सजेशन स्ट्रिप सेटिंग है टॉगल है उसको ऑन करने के बाद मिलता है। उसके बाद दोस्तों जो लैंग्वेज सिलेक्ट की थी उसके लिए मैंने कहा था एक डेडिकेटेड स्विच का टॉगल ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे जो स्पेस बार के बाजू में जो ऑप्शन दिया हुआ है ग्लोब के जैसा, ये आपका डेडिकेटेड स्विच है अपनी लैंग्वेज चेंज करने के लिए। आप इसको टैप करेंगे तो आपने जो भी लैंग्वेज या सिलेक्ट किया है या कीबोर्ड का फॉर्मेट सिलेक्ट किया है वो आप डायरेक्टली यहीं से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश हैंडराइटिंग का जो हमने किया था वो वाला है, फिर ये पीसी फॉर्मेट है, ये इंग्लिश टू हिंदी का है, ये इंग्लिश टू गुजराती कीबोर्ड है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली डेडिकेटेड स्विच के जरिए आप अपना कीबोर्ड का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये जो स्पेस बार है उसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपको आपके जितने भी फॉर्मेट सिलेक्ट किए हुए या लैंग्वेज सिलेक्ट किए वो सारे ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम आपको दिखाते हैं हैंडराइटिंग वाला जो कीबोर्ड है फॉर्मेट उसको कैसे यूज़ करना है। अगर आप हैंडराइटिंग वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं तो आपका कीबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आप टाइप ये हैंडराइटिंग के जरिए मैसेज टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो। तो ये ऐसे मैसेज टाइप कर सकते हैं, आप हैंडराइटिंग के जरिए मैसेज टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा आप पीसी फॉर्मेट का कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर हिंदी इंग्लिश का टाइप कर सकते हैं या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज जो भी है आपने जो भी सिलेक्ट किया उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लैंग्वेजेस का ऑप्शन था। इसके अलावा दोस्तों जीबोर्ड जो है हमारा वो वॉइस टाइपिंग भी सपोर्ट करता है। तो वॉइस टाइपिंग कैसे करना है उसके लिए जो यहाँ पे ऊपर की तरफ सजेशन स्ट्रिप में एक टॉगल दिया हुआ है आपको उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपना जो भी मैसेज है वो मैसेज आपको सिर्फ
कमांड देना है, तो हमारा जो जीबोर्ड है वो पूरा मैसेज यहाँ पे टाइप कर देगा। दोस्तों एक बार याद रखिए, यहाँ पे आपको जिस लैंग्वेज में मैसेज टाइप करना है आपको अपने जीबोर्ड में वो वाली लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद ये वाला टॉगल ऑन कर लेना है, और उसके बाद कमांड देना है जो भी अपना वॉइस मैसेज है वो आपको बोलना है, तो ये पूरा मैसेज टाइप हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखा दोस्तों, मैंने सिर्फ वॉइस कमांड के जरिए अपना पूरा मैसेज टाइप कर लिया है। मुझे इसको टाइप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। ये मैसेज वॉइस टाइपिंग कुछ इस तरीके से काम करता है। ये इंग्लिश में जो मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी तो इंग्लिश में मैसेज टाइप किया है। अभी अगर हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो ये हिंदी में हमारा मैसेज टाइप करेगा। तो उसके लिए हिंदी सेलेक्ट करने के बाद ये वाला टॉगल वापस से हमें टैप करना है और अपना जो भी मैसेज है उसको बोलना है। तो देखा दोस्तों, ये वॉइस टाइपिंग जो है कुछ इस तरीके से काम करती है। आपको जो भी मैसेज देना है, जिस लैंग्वेज में देना है उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद अपना मैसेज बोल के सिर्फ टाइप कर लेना है। तो ये था हमारा जीबोर्ड का पूरा सेटअप और एक्स्ट्रा फीचर्स। तो दोस्तों यही, इसी के साथ हमारा वीडियो कम्प्लीट होता है। और अगर आपको हमारा वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। साथ ही में दोस्तों, हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।